अनूपगढ़ जिला बनना चाहिए। जिला बन गया आपका, आप सब खुश हो। अब आप देखिए 20 जिले हमने बनाए थे, मेरी प्लानिंग थी 20 जिलों का मास्टर प्लान बने, मिनी सचिवालय कहाँ बनेगा, कलेक्टर एसपी डीलर कहाँ बैठेंगे, स्कूल कॉलेज कहाँ खुलेगी। 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोली हम लोगों ने, कभी न कभी 20 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी, टाउन हॉल ही बनेगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ होने की संभावना बनी रहती है। यही सोच के हम लोगों ने शानदार स्कीम बनाई थी। इतनी शानदार योजना लेके आए कि राजस्थान पहली बार देश के अंदर अन्य राज्यों में चर्चा में आ गया। इतनी शानदार हमारी शिक्षा की योजनाएं, हमारी स्वास्थ्य की योजनाएं, 25 लाख का बीमा हो, हमारी बिजली की योजनाएं हो, चाहे सोलर हो, चाहे वो सूरजगढ़ में तो आपके थर्मल भी है, चाहे वो पीने के पानी की योजना, बिजली की योजना, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों का, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःस्वजनों को पेंशन देने की बात हो, किसानों के लिए अलग बजट पेश करने की बात हो, पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध में अंदर देने की बात हो, लंपीरों का आ गया 40,000 रुपये हमने दिए हैं कि गाय मर गई उन परिवारों को दिए थे, 2 गायों का बीमा कर दिया हम लोगों ने। कहने का मतलब ये है सभी वर्गों के लिए 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए, 1 करोड़ लोगों को, उपभोक्ताओं को आज बिजली का बिल 0 आता है, 1 रुपया नहीं देना पड़ता 1 करोड़ लोगों को। इस प्रकार से जो योजना बनी वो एक इतिहास बन गया, सभी लोग उससे खुश है। प्रदेश के झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री जी ने, झूठ बोल करके उनके मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, चाहे मुख्यमंत्रियों ने, यहाँ रेप होते हैं, यहाँ पर कानून में सब बिगड़ी हुई है, अब बिगड़ी हुई है हमारी रेप, अब हो रहे हैं, लेकिन अब हो रही है, और हमें बदनाम किया गया और मुसलमान को दे दिए 50 लाख, हिंदू को दिए 5 लाख उदयपुर के कनेरा हत्याकांड में। इतना झूठ भी बोल सकता है? पहला पैकेज 50 लाख किसी को दिया वो कनेलाल को दिया था हम लोगों ने, फिर भी झूठ बोला गया। इस प्रकार से जो माहौल बनाया गया, सरकार हमारी नहीं बनी है, तो आप निश्चिंत रहो। अब जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, एक निचोड़ जो है वो आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सामने आया है, जो खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उसको प्रकट किया है। अब हमारी ड्यूटी है, मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा, मैंने उसको पढ़ा 3 बार, आपसे मेरी प्रार्थना है, 5 जो है आपकी 25 गारंटी है उसके अंदर, 5 न्याय की बात की गई है। अब आप जब तक उनको पढ़ेंगे नहीं तब तक आप युवा न्याय हो, महिलाओं का न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो, श्रमिकों के साथ न्याय हो, और सबकी हिस्सेदारी हो, SC ST OBC माइनॉरिटी सबकी, ये 5 जो है जो न्याय की बात की गई है, इसको पूरे प्रदेश को, पूरे देश को लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, तब जाके असली न्याय गरीब से गरीब गांव में ढाणी में पहुंच सकेगा, ये मेरा कहना है। बाकी जो कुछ हो रहा है आपको मालूम ही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान अम्बेडकर साहब का संविधान झज्जा उड़ रही है, खाते बंद हो रहे कांग्रेस के, अमेरिका जर्मनी UNO सब आलोचना कर रहा, देश की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है हमारी, किस प्रकार दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रोल बोर्ड आ गए, ये सब बात आप जान चुके हो, इसलिए इस चुनाव के अंदर आप सबक सिखाओगे तब जाके लोकतंत्र बचेगा। ये चुनाव खाली इंदौरा का या गोविंद मेघवाल का नहीं है, ये चुनाव देश में लोकतंत्र बचाने का है, ये चुनाव अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने का है, ये चुनाव आने वाली नस्लों का भविष्य बनाने का है। यही बात करता मैं बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गहलोत साहब, भारत